तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाई गई। देखो जिस वक्त ये 72 हज़रात शहीद हो गए ना करबला में, तो यजीदियों को ये खबर हुई कि अब कोई काफिला आएगा और इनकी नमाज़े जनाजा अदा करेगा। तो इब्ने ज़ियाद ने और अम्र बिन साद ने इन हज़रात को लेकर एक गढ़ा खोदा और उसमें सारे लोगों को दफन कर दिया। लेकिन जब वो एक गांव के बराबर के बनु असद के लोग आए और आने के बाद उन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में जब ख़बर मिली कि शहीद कर दिया गया और 72 लोग शहीद कर दिए गए, तो एक उनका बनु असद का बूढ़ा इंसान था, दूसरे तीसरे दिन ये लोग आए और उन्होंने आकर करबला की मिट्टी को सूंघना शुरू कर दिया कि कौन सी जगह पे दफन है। क्योंकि इन लोगों ने, इब्ने साद वगैरह ने क्या किया था कि बॉडी को, जिस्म को मिट्टी के अंदर दबा के ऊपर से पानी छोड़ दिया कि पता ही ना चले, नामो निशान ख़त्म हो जाए कि कहाँ पर इन हजरात का जिस्म मुबारक कहाँ पर है। तो फिर उसने वहाँ से सूंघना शुरू किया, एक जगह से खुशबू आ रही थी जन्नत की, वो समझ गया कि यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक है। तो उसने फिर नमाज जनाजा अदा की। अच्छा एक चीज़ और, इसमें इख्तलाफ है कि नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। बाज़ लोग जो ये कहते हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन फिर आए थे बाद में और फिर आपने अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन अली मक़ाम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ाई, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि नहीं, आपकी नमाज जनाजा ये गांव वाले जो थे बनु असद के लोग, इन लोगों ने पढ़ाई। तो बहरहाल इसमें इख्तलाफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पढ़ाई गई इन्होंने या उन्होंने पढ़ाई गई। जो लोग ये समझते हैं कि नहीं पढ़ाई गई, तो वो उन लोगों ने ऐसे ही तदफीन कर दी थी यानी कब्र के अंदर, इस डर की वजह से कि कहीं नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए, उन लोगों ने कब्र में उतार के गढ़े में डाल के और बड़ी बेगती के साथ उन कमबख्तों पर लानत हो, उन लोगों ने मिट्टी को डाल दिया, बराबर कर दिया। लेकिन बाद में आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई और फिर सही से आपके खुशबू लगा के और बहुत ज़्यादा आपके अदब के साथ उन लोगों ने आपके जिस्म मुबारक को कब्र के अंदर उतारा और आपकी तदफीन की। उसके बाद